नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर छत का व्यू, क्योंकि मैं आई हूँ 4-5 दिन में लौट के। तो क्या हाल है मेरे पेड़ पौधों का। और वैसे तो लड़की रही थी, लेकिन उसे अच्छे से पानी नहीं दे पाई। दिया तो था उसने जितना भी उसे आता है, कोशिश पूरी की, लेकिन फिर भी मेरे पेड़ बहुत सारे मुरझाए जैसे हो गए और पीली पत्तियाँ भी पड़ गई हैं। तो ये देखिए मेरी मधुमालती कितनी खिल रही है ऊपर ऊपर टॉप पर आके। और ये मेरी तोरे की बेल, तोरे में से भी तोरे मैंने कुछ तोड़ी हैं, दिखाती हूँ। तोरई, अपराजिता और करेला, और ये गुड़हल, कुछ गुड़हल के फूल तोड़े हैं मैंने। और देखिए मेरे गुड़हल का पीली पत्ती आके झड़ रही हैं, और ये भी झड़ रहे हैं। घुंडी तो बहुत सारी आ रही हैं, यानी कि बर्ड्स बहुत सारी बनी हुई हैं। और ये देखिए, लेकिन पीली पत्ती पड़ गई है सबकी। अब पता नहीं पानी कम रह गया कैसे, अब जब आके देखा है तो अब इसमें थोड़ा बहुत मैं अब इसमें फिर से कुछ करूँगी, देखती हूँ क्या करूँ इसको। और इधर तो अपराजिता तोड़ लिए हमने, बहुत सारे खिल रहे थे। और ये देखिए मेरी चंपा में भी फूल आने वाले हैं, ये कटिंग से ही तैयार हुए थे, वही चंपा हैं ये। ये देखिए कॉस्कॉक पूरा पीला पड़ गया, और देखिए नीचे लटक भी गया है। तो ये मेरा प्लांट पौधा ख़राब हो गया है, शायद इसमें पानी की कमी ही रह गई है। इधर ये कटिंग से लगा हुआ मेरा हिबिस्किस कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये तो इसमें थोड़ी बहुत देखो अभी बर्ड्स आने लगी हैं, और पीली पत्ती पड़ रही है नीचे से, लेकिन फिर भी ठीक है, उससे तो बेहतर है ये। और ये तो कटिंग का है ये। ये देखिए मेरी कोई कोई हरी पत्ती रह गई है इसमें, देखिए इसमें फूल खिलने वाला था और पहले खिले भी हैं, और ये सूख गया है, इसमें भी पानी की कमी रह गई है। ये मेरे अम्ब्रेला पाम सारे सूख गए हैं, अब दोबारा से हरे होंगे, देखते हैं। इनमें नई पत्तियाँ भी आ रही हैं, नीचे से पत्ती झड़ जाएंगी। इनमें तो ये है कि इनमें पानी ना भी दें तो भी काफ़ी दिन तक चल जाता है, लेकिन इन पौधों में पानी पूरा चाहिए। ये देखिए कितना बड़ा है, इसमें फूल खिल रहा था ऊपर, फूल अच्छा है, लेकिन पत्ती सारी पीली पड़ के झड़ रही हैं। अब ये हाल हो गया मेरे इधर फूलों का, तो ऊपर वालों का। इसमें बैंगन लगाए हैं 2-3 कल, और कुछ सूख गए थे ये पहले वाले, और अब ये कल लगाया है, और ये पहले वाला है, ये भी कल ही लगाया है, छोटे छोटे से रिपोर्ट किया है। इधर ये मिर्ची उस दिन लगाई थी, तो मिर्ची तो सही है मेरी, बाकी की और 2-3 और मैंने कल लगा दी हैं। ये टमाटर पहला है, ये भी पहला ही है इसमें। और ये देखिए मैंने शिमला मिर्च, एक पौधा बचा था जो मैंने हरी मिर्च शिमला मिर्च से ये बीज लगाया था, बाकी के कीड़े खा गए थे पत्ते, डंडियाँ हैं, अब वो डंडी लगी हुई है अभी, तो मैं सोच रही नई पत्ती आई उनमें तब लगाऊँ, लेकिन एक सही था तो एक मैंने यहाँ पर लगा दिया। और देखिए इसमें मैंने बीज भी डाला है, अब निकल भी रहा है, शायद टमाटर का डाला है मैंने। ये देखिए तो इसमें एक यहाँ निकल रहा है, एक वहाँ निकल रहा है, 2 टमाटर के बीच मुझे दिखाई दिए हैं। इसमें खीरा डाला है, तो मैंने इसमें देखिए 3-4 खीरा दिखाई दे रहे हैं अभी, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, उधर है, इधर भी है, तो ये खीरा भी निकल रहा है और साथ साथ में घास भी निकल रही है, लेकिन उसको हम साफ कर देंगे अभी नहीं करेंगे बीज निकलने के बाद। ये मेरी मिर्ची पहली है, इसमें से हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ कई बार, और फिर से इसमें फूल आने लग गए इसमें और इसमें। और यहाँ देखिए मैंने सेम की भी बीज डाले हैं, चारों के चारों निकल आए, 1, 2, 3, 4, तो ये चारों बीज निकल आए सेम के। अभी जो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी बीज, वही बीज हैं जो वीडियो डाली थी, ये पुरानी सेम है। और ये भी पानी की वजह से ही, देखिए मेरी कैसी हो गई है, ये सूखी मिली थी मुझे, ये इसमें पानी डाला तो है लेकिन कम कम डाला था, उससे ये नहीं पता, क्योंकि मैंने ये बीजों की वजह से उसे बोला हल्का हल्का पानी डालना बीजों वाले ग्रो बैग में, लेकिन उसने सब में फिर ऐसे ही डाल दिया। ये देखिए इसमें भी 2 बीज निकलाए हैं, ये लॉन्ग बीन्स है, इसमें भी डाले थे लेकिन अभी इसमें निकले नहीं हैं, और इसमें शायद अभी मैंने बीज नहीं डाला है, ये लास्ट में भरा था। ये देखिए टमाटर, इसमें कितना सारा फूल आ रहा है, और गिर भी गया है, तो ये टमाटर तो मेरा पहला ही है पुराना। और ये देखिए मूली का बीज सारा ही निकलाया है, 1-2 रह गए जो नहीं निकले, और 2 ग्रो बैग्स में मैंने 2 तरह की मूली का बीज था, 2 दुकान का, तो मैंने दोनों में डाला है। इसमें देखो बखेर के डाला है, तो इसमें एक जगह कहीं कहीं निकले हैं, और ये एक एक बीज रख के डाला है तो ये अलग अलग निकले हैं, तो ये अंतर है स्प्रिंग करने का और एक एक बीज रखने का। और इसमें डाला है मैंने मिर्ची का या टमाटर का, अभी कुछ निकला ही नहीं इसमें बीज, इसमें भी नहीं निकला और इसमें भी नहीं निकला अभी, और इसमें भी नहीं निकला, एक निकल रहा है शायद। अभी इसे रहने दूंगे ऐसे ही, उधर 2 पौधे निकले हैं, किसके हैं मुझे ये नहीं पता, खुद से निकले वो तो।
तो इन तीनों ग्रो बैग में नहीं निकले, उधर मूली निकला ही है। इनमें मेरी कद्दू की बेल चल रही है, देखिए पुरानी ही, वैसे तो सूखी सी होगी लेकिन अभी मैंने छोड़ दी है क्योंकि नीचे से पोटास आई है इसमें। और इसमें देखिए, इसमें भी मैंने बीज डाला है, मुझे याद नहीं है इसमें किसका डाला है, लेकिन अभी निकल रहे हैं कुछ। और पालक भी साथ में निकल रहा है, बिन बोए पालक खुद से ही आ रहा है। इसमें मेथी डाली थी, ये देखिए मेथी, इसमें मेथी डाली तो मेथी निकल रही है अभी धीरे धीरे। और ये देखिए, ये तोरई लौकी कुछ निकला है इसमें, पता नहीं किसका बीज है। तो इसमें भी पौधे निकल रहे हैं, देखिए इधर टमाटर भी निकल रहा है और भी निकल रहा है, शायद इसमें मेरा मटर वही है। अभी मटर तो नहीं दिखाई दी इसमें, लेकिन बाकी के और पौधे निकल रहे हैं, बथुआ वगैरह भी निकल रहा है इसमें। और इधर देखिए, इधर बांकला वही है मैंने, शायद निकल रही है, इधर दिखाई दे रही है हल्की सी, एक पौधा दिखाई दिया। तो अभी अभी निकलना शुरू हुआ है। तो ये मेरे बीज का रिजल्ट है। और ये मेरी पुरानी भिंडी है, एक दो दिन में इनको हटा दूंगी, इनको मैं बाहर रहा देख रही हूँ, देखिए कि बीज बन जाए, ऐसे इन सबका बीज बन जाएगा तो मैं इनको हटा दूंगी। और इधर देखिए, ये खीरे की बेल है, उधर सेम के बीज लगाए थे, सेम रिपोर्ट किए थे वो हैं। एक ये टमाटर है, और भी इसमें मैंने बीज डाले हैं, अभी निकले नहीं हैं, तोरे लौकी किया के। इस टंकी में भी कुछ नहीं निकला अभी, ये भी ऐसी कैसी है। और ये यहाँ पे एक गेंदा हो गया है मेरा, वर्ड्स बन गई है, फूल खिलने वाला है। ये सेम की बेल है तो ये भी चली जाएगी इसमें। ये कद्दू की बेल है, नीचे से नई फुटास आ रही है तो मैंने हटाया नहीं, और ऊपर से देखिए सूख गई है ये, और इसमें फूल भी खिल रहा है, यहाँ सूखी हुई है, यहाँ पे देखिए इधर से फूल खिल रहा है। तो ये कद्दू को मैं अभी रहने देती हूँ, लगेंगे तो लग जाएंगे। ये बैंगन है मेरे पुराने, इनमें फूल आ रहे हैं। और ये पुरानी भिंडी है, और देखिए इसमें मैंने बोया था धनिया, अभी शायद मैंने वीडियो नहीं डाली है धनिया बोने की, और मेरा धनिया निकल आया, टाइम नहीं मिला था मुझे वीडियो डालने के लिए। ये देखिए करना शुरू हो गया। ये पपीते के पौधे हैं मेरे लगे हुए, और ये देखिए सदाबहार एक फूल खिल रहा है। ये देखिए जो पालक जब मैंने ग्रो बैग खाली किए थे तो उठा के मैंने इस पन्नी में रख दिया, और सही चल रहा है, देखिए अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इसमें मैंने मिट्टी डाल के पानी भी डाल दिया था तो इसमें सही चल रहे हैं। और ये मेरे कॉस्कॉक के हैं, सूख गई हैं पत्तियाँ, लेकिन देखते हैं अब पानी देने के बाद सही होते हैं या नहीं। तो चलिए, यही मेरा छत का ओवरव्यू था, और मेन चीज़ था मुझे बीज निकले कितने हैं कितने नहीं, मेरे बीजों का रिजल्ट भी मुझे दिखाना था। तो आप बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और बीज लगाए हुए जो निकले हैं इनका, तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।